दोस्तों, सितंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन लॉन्चेस। ऑनर कंपनी ने अपना कमबैक किया तो वहीं इन्फिनिक्स वालों ने सरप्राइजिंगली काफ़ी क्रेजी स्मार्टफोन निकाले और तो और मोटोरोला वालों ने भी अपने किलर स्मार्टफोन निकाले। और मैं एप्पल को कैसे भूल सकता हूँ, एप्पल ने अपने आईफोन 15 सीरीज़ को निकाला। लेकिन शाइनी आईफोन को खरीदने से पहले आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि इस महीने में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जो शायद एप्पल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। सो इस वीडियो को आप टिल द एंड तक ज़रूर देखें। सैमसंग S23 FE विल ये सैमसंग वालों का एक ऐसा सीरीज जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में और ये काफ़ी ज़्यादा सेल भी होता है। और इस बार तो लोग इसका काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। अब ऐसा इसलिए है कि इसमें आपको फ्लैगशिप वाले तमाम के तमाम फीचर देखने को मिलते हैं जो सैमसंग वाले अपने फ्लैगशिप फोन में देते हैं। वैसे इस बार आपको इसमें एक 6.4 इंच का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि 120Hz रिफ्रेश को सपोर्ट करेगा। और इसमें आपको 8 Gen 1 देखने को मिलने वाला है। और इसका जो कैमरा सेटअप है वो है 50 मेगापिक्सल का। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विथ OIS और 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 12MP का टेली फोटो लेंस है। और अगर मैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो 45,000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है विद 25W की चार्जिंग। और अगर मैं इसके OS अपडेट की बात करूं तो इसमें आपको 4 से 5 ईयर्स का OS अपडेट देखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ IP रेटिंग भी देखने को मिलने वाला है। टेक्नो वी फ्लिप वेल देखा जाए तो दुनिया का सबसे चीपेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है और इसकी कीमत 50,000 के अंडर है। और देखा जाए तो ये फोन इंडिया में अभी लॉन्च हो भी चुका है। इसमें आपको 6.9 इंच का एक LTPO डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और इसकी जो कवर स्क्रीन है वो 1.5 इंच की है जो कि घड़ी के डायलर की तरह सर्कुलर है। इसमें आपको डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और अगर मैं इसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो 4000 mAh की बैटरी है विद 45W की फास्ट चार्जिंग। वैसे आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नो जैसे ब्रांड का कोई फोल्डेबल फोन लेना पसंद करेगा कि नहीं, आप इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पिक्सल 8 एंड 8 प्रो वेल देखा जाए तो गूगल के जो फोन है वो अपने कैमराज और अपने UI के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनका UI काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट है और इनका कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों से गूगल के कैमराज अच्छे नहीं होते हैं और इनका जो टेंसर चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी होता है। लेकिन इस बार देखने वाली ये बात है कि गूगल वाले अपने टेंसर G2 चिपसेट को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वैसे गूगल पिक्सल 8 में आपको 6.7 इंच का एक फुल HD OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि 120Hz रिफ्रेश के साथ आएगा और टेंसर G3 देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 45,000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। वहीं गूगल पिक्सल 8 प्रो में आपको 6.7 इंच का एक क्वाड HD OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और ये भी 120Hz रिफ्रेश के साथ आएगा। इसमें भी आपको टेंसर G3 चिपसेट देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो ये उस बार 5000 mAh का होगा। वैसे आप में से कोई गूगल पिक्सल फोन को यूज़ करता है कि नहीं, आप इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वन प्लस ओपन वेल देखा जाए तो ये वन प्लस का पहला फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है और काफ़ी सारे लोग वन प्लस के फोल्डेबल फ़ोन का वेट कर रहे थे तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि ये फ़ोन इसी महीने को लॉन्च होने वाला है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि ओप्पो का जो फाइंड एन है ये उसी की तरह सिमिलर होगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। और अगर मैं इसकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 7.8 इंच का मेन स्क्रीन देखने को मिलने वाला है, 6.3 इंच का कवर स्क्रीन होगा और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48,000 mAh की बैटरी है। वेली इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सॉफ्टवेयर होने वाला है। अब देखने वाली ये बात होगी कि वन प्लस वाले अपने सॉफ्टवेयर को कितने अच्छे तरीके से कस्टमाइज करते हैं अपने फोल्डेबल के लिए। वैसे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Realme GT 5 Pro वेल जैसा कि आप लोग को पता होगा कि Realme के GT सीरीज़ तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और ये काफ़ी ज़्यादा सेल भी हुआ करती थी, तो इस बार Realme वालों ने अपने GT 5 Pro को लॉन्च करने का सोचा है। वैसे इसमें आपको 6.7 इंच का एक फुल HD कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने को मिलने वाला है जो कि आप लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें आपको 46,000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मतलब वो 240W की फास्ट चार्जिंग है। मतलब समझ सकते हो कि चार्जिंग मैकेनिज्म काफी जबरदस्त हो चुका है। और साथ ही साथ इसके बैक में आपको एक इंटरफेस भी देखने को मिलेगा जिसमें आप कुछ नोटिफिकेशन देख सकते हैं।